अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं हाजिर हूँ मायनीज की रेसिपी के साथ, क्रीमी मायनीज जो घर में बहुत आसानी से बन जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैंने डाला है एक अंडा और उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक, ये टेस्ट के लिए हम डालेंगे। और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून विनेगर। विनेगर से क्या होगा कि हमारी मायनीज़ जो है वो आराम से 5-10 दिन चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। तो क्या करना है कि जो ढक्कन है उसको हमने ऊपर से खोल देना है, ऊपर से, और मैं इसको बंद कर दूँगी। और हमें चाहिए 1 ग्लास, मैंने लिया है ये ऑयल, कुकिंग ऑयल, और हम थोड़ा थोड़ा करके डाल के इस तरह से लाइटर चलाएंगे। तकरीबन ये 5 मिनट का प्रोसेस है और इस तरह से हमने ऑयल डालते जाना है और इसको ब्लेंड करते। अब मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी इसमें, एकदम ही हमने सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और ये बहुत ही मज़े के मायनीज़ घर में तैयार हो जाएगी, आपको बाहर की मायनीज़ अच्छी ही नहीं लगेगी कि फिर, और बहुत ही सिंपल भी है और कम बजट में भी बन जाएगी। बस देखें, अब ये क्रीमी बनना स्टार्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं और चलाऊंगी इसको। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलेगा। अब मैं चेक करती हूँ कि क्या पोजीशन है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी। थोड़ी देर इसको मैं और चलाऊँगी। ऑलमोस्ट डन है, बट थोड़ा सा मैं और इसको ब्लेंड करूँगी। रेडी है, बहुत ही परफेक्ट, माशाल्लाह से क्रीमी। और मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके, एक बाउल में मैं इसको निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसे बनी है ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और लाइक करना मत भूलेगा और शेयर भी करें मेरी वीडियोस, रेसिपीज़। देखिए कितना क्रीमी और अच्छा बना है, तो ज़रूर ट्राई करें और दुआ में याद रख के, अपना ख्याल रख के, अल्लाह हाफिज़।